बिहार के अररिया में भ्रष्टाचार का फूका एक और घड़ा। सिकटी के पडरिया घाट पर करोड़ों की लागत से बना पुल धराशायी। सिकटी प्रखंड क्षेत्र के पडरिया घाट पर बकरा नदी में करोड़ों की लागत से बना पुल हुआ ध्वस्त। अररिया जिला के सिकटी प्रखंड क्षेत्र होकर बहने वाली बकरा नदी के पडरिया घाट पर बना पुल धराशायी हो गया। कुछ माह पहले ही इस पुल का सिकटी विधायक व अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था। इधर पड़ोसी देश नेपाल में हल्की बारिश हुई और नदियों के जलस्तर में थोड़ी बढ़ोतरी होने से करोड़ों की लागत से बना पुल जमींदोज हो गया। कई ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल बनाने में कई सालों लग गए। तीन तीन बार में पुल निर्माण कराया गया। लोगों में आस जगी थी कि अब आवागमन सुचारू ढंग से चालू हो जाएगा, लेकिन लोगों की आस पर पानी फिर गया। ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण में संवेदक द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग किया और कुछ माह से पुल के इर्द गिर्द बालू खनन किया जा रहा था, जिसकी वजह से यह पुल गिर पड़ा। पडरिया घाट पर 2012 में लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से 6 पिलर का एक पुल बनना शुरू हुआ, लेकिन काम होते होते पिलर बढ़कर 8 हो गए और खर्चा बढ़कर 20 करोड़ पहुंच गया। लेकिन पिलर बनाने के लिए खोद कर निकाली गई मिट्टी को वहीं छोड़ दिया गया, जिस वजह से 2016 आते आते नदी पुल से बाहर भागने लगी। 2018 तक पुल किसी काम की नहीं रही और लोग वापस चचरी पर निर्भर हो गए। 2019 में वापस नदी पुल के ठीक नीचे से बहने लगी, लेकिन एक साल के अंदर ही पुल एक टापू में रह गया और चारों तरफ नदी बहने लगी। ऐसी सूरत में पुराने पुल से करीब 100 मीटर की दूरी पर जून 2021 में एक नए पुल का निर्माण शुरू किया गया, जिसे एक साल में पूरा कर लेना था, लेकिन जून से नवंबर आते आते नदी निर्माणाधीन पुल से भी बाहर निकल गई। अररिया से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट।